सरदार पंचायत में कोई भी कमी हो, कमी को हम पूर्ति करने का कोशिश करेंगे, ये मेरा वादा रहा। और गरीब जिस उद्देश्य से और जो आशा से और विश्वास से जो हमको लाया है, उस आशा और विश्वास को मैं पूरा करूंगा, यही मेरा वादा है। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे जो और 5 साल जनता का प्रिय बन के रहें और उसका दिल हम जीत सके। मैं AR बोकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आपका नाम भूल गए भैया? दिलीप कुमार महतो जी, सरदा पंचायत से इनकी पत्नी जो है कि मुखिया में नव निर्वाचित हुई है। और दिलीप जी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये सारा प्यार आपके प्रति है और आपकी पत्नी तो है ही है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलिएगा पंचायत के लोगों से? पंचायत के लोगों से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जिस उम्मीद से हमको पंचायत के लोग हमको मैंने इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन लोग के भावनाओं को हमने स्वीकार किया है। उस पंचायत के लोगों को जिस उम्मीद से हमको देखे हैं, हम भी उन्हीं पंचायत के लोगों को उन्हीं भावनाओं से देखने का काम करेंगे और उन्हीं भावनाओं से हमने काम करेंगे, पंचायत में विकास के लिए काम करेंगे। दिलीप जी, पंचायत में जो है कि शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आप एकदम यंग हैं, आप हर तरह की बात को समझ सकते हैं, अच्छाई बुराई को समझ सकते हैं। अरे भैया पूरा मुँह को इसको खोल नहीं दीजिए, अरे को पाए खोल दो में ढुका दाग मोटा तो। हाँ चलिए ठीक है, तो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कुछ बोलिएगा। शिक्षा को हमने कोशिश करेंगे कि जहाँ तक अभी जिस मुकाम पे आया है उससे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, मतलब कुछ भी, सरदार पंचायत में कोई भी कमी हो, कमी को हम पूर्ति करने का कोशिश करेंगे, ये मेरा वादा रहा। जिस हिसाब से हमको सरदार पंचायत के जनताओं ने पूर्ण बहुमत दे के हमको जिताया है, उसी बहुमत को हमने स्वीकार करेंगे। रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या है, आप दूर से ही बोलिए माइक ले लेगा, रोजगार मिलेगी पंचायत में? बिल्कुल, रोजगार के लिए हम हरदम एक कदम पे खड़ा रहेंगे देने के लिए। चलिए मंजू देवी जी, आप बताइए, ये दिलीप जी हैं और आप इनकी धर्म पत्नी हुई, आपको कहीं ना कहीं, आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप आवाज उठाएंगे जो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल पंचायत के लोगों से आपको क्या कहना है? पंचायत लोग से ये कहेंगे कि हमको पूर्ण बहुमत देके हमको सरदार पंचायत ग्रामवासियों ने हमको चुना है, उन लोग को सहयोग करेंगे, उन लोग को सहयोग करेंगे पूर्ण बहुमत देकर, एक भारी मत से इनको जो है कि विजयी बनाए हैं। मंजू कुमार रे जिंदाबाद, दिलीप माता जिंदाबाद, दिलीप माता जिंदाबाद, दिलीप माता। तो ये थी मंजू कुमारी सरदा पंचायत से, मैं AR बोकारवी ग्रामीण टीवी से आप लोगों से लेते हैं विदा। एक बार मेरे तरफ से जय झारखंड, फोटो एक लो। मैं ग्रामीण टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं और ये हैं पूरन चंद्र महतो, पोखरना पंचायत से मुखिया बन चुके हैं, नव निर्वाचित हो चुके हैं। पूरन जी, पंचायत की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है, लोग बड़े आशा उम्मीद विश्वास के साथ आपको थोड़ा माला हटाइए ना भाजी, ये तो मुँह नहीं देखने दीजिएगा का है, बड़े आशा उम्मीद विश्वास के साथ में आपको जो है कि बहुमत देकर आज मुखिया बनाए हैं, क्या बोलिएगा पंचायत के लोगों को? मैं पंचायत के जो दबे कुचले और गरीब जिस उद्देश्य से और जो आशा से और विश्वास से जो हमको लाया है, उस आशा और विश्वास को मैं पूरा करूंगा, यही मेरा वादा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि पंचायत में जो मुखिया होते हैं ना, वो जो है कि दलालों का काम कर लेते हैं और गरीब वंचित हो जाते हैं अधिकार से, और इसको लेकर मुखिया जी जीतने के बाद में तुरंत ये ग्रामीण टीवी में ऐलान कर रहे हैं कि सब लोगों का हम भलाई करेंगे, उन तक विकास पहुँचेगी, बहुत बड़ी बात। और कुछ बोलिएगा मुखिया जी? और जो जरूरत है, बोलना तो बहुत है लेकिन अभी तो बोलना, तो लाइन बोल दीजिए ना, माने हाँ काम में जी, हमारा कर जे प्यास दौड़ाइन जी, हमारा प्यास है मरो लिए आ ठेसो लाइए, किछु मानुष एक नोक चोली गेले चोली के रास्ता घाट गिला, रास्ता घाटो जे हमरा घर माने असुविधा है पिए पानी खातिर, हमरा पिया से तोड़ पर लिए से पिया से पानी टा हमरा जैसन मेका दूरी करबो, या टा हमरा ट्रेनिंग पाव लाए शिक्षा पाव। चलिए ये थे पूरन चंद्र महतो जी, और इनके उम्र के हिसाब से एक समाज, एक हमारा पंचायत का जो एक मालिक होता है, इनका व्यक्तित्व देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये
ईमानदारी बरतेंगे, हर वंचित को लाभ देंगे, ये मेरे तरफ से शुभकामनाएं मुखिया जी। और आज हमारे बीच में तपन कुमार महतो जी हैं, तुरीडी पंचायत से नव निर्वाचित मुखिया जी हैं। मुखिया जी, बड़ी संघर्ष के बाद में, उतार चढ़ाव के बाद में, लोग जो है कि अपना बहुमत डाले सोच विचार करके, क्या कहिएगा पंचायत के लोगों से? पंचायत के लोगों को देखिए, बड़ों को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद कर रहे हैं। ये बहुत सारा आशीर्वाद हमको दिया, और 5 साल हम इसके पहले पंचायत समिति थे, उसमें जितना हम मेहनत किए, पंचायत में जनता का सेवा किए, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे जो और 5 साल जनता का प्रिय बन के रहें और उसका दिल हम जीत सके। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में इतने सारे लोग आपको मुखिया बनाए, इन लोगों का जो विश्वास है, जो उम्मीद है आपसे, जो विकास का दरवाज़ा अब इन तक खुला नहीं, वो कैसे होगा? ये बताइए। वो का जनता का विकास का काम करेंगे, जनता को मिलजुल के चलेंगे, जनता के साथ चलेंगे, जनता का जो विचार होगा वही विचारधारा से हम चलेंगे, वो अपना विचारधारा से हम नहीं चलेंगे, जनता का जैसा ये होगा जनता को लेकर चलेंगे और जनता के साथ रहेंगे। वर्तमान में पंचायत में शिक्षा स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बनी हुई है, पंचायत जो आपका पंचायत है वहाँ से सदर अस्पताल काफ़ी दूर है, उसको लेकर पंचायत में कुछ नर्स डॉक्टर का अवेलेबल करवाइए। सबसे पहले मैं प्राथमिकता देंगे शिक्षा में, कहना है आजकल का ये है जब बहुत पीछे चल रहा है शिक्षा में, सबसे प्राथमिकता में उसमें ही देंगे, उसके बाद जो बिजली पानी है इस सब में भी हम देंगे। तो चलिए, ये थे तपन कुमार जी, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे गांव के घर खातिर, तो सभी जाना है कि शिक्षा तो बहुत बहुत जरूरी चीज़ लागे, और शिक्षा के खातिर है आज कहीं ना कहीं हमारा झारखंड और लुटखंड बनल है, और यदि सब मुखिया है ये मौत तक रोक कि हमारा स्कूल है पर्याप्त मास्टर हो, शिक्षा सही मिलो किधर गला, तो निश्चित है कि हमारा पंचायत सशक्त होते तो राज्य सशक्त होते, पता है कि नहीं।